नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में, और मैं हूं आपकी दोस्त अनुभा कपिल। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही कॉमन सी सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जिसको हर कोई बनाना जानता है, जो कि बनाना शेक की रेसिपी है। बट फ्रेंड्स, इस रेसिपी में मैं कुछ ऐसा एडिशन करने जा रही हूं, एक ऐसा फ्लेवर इसमें ऐड करने जा रही हूं, जिसको यदि आप ऐड करते हैं तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। जरा से एक एडिशन से, जरा से एक फ्लेवर से इसका टेस्ट में कहीं गुना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यदि आपको रेसिपी जैसी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और यदि आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो बनाना शेक बनाना है, इसके लिए हमने ले लिए हैं ये दो छोटे साइज़ के बनाना। इसको मैंने कट कर लिया है, तो इसको डालती हूँ मिक्सी जार में। साथ में डाल रही हूँ दूध, एक गिलास दूध डाला। आप ये क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध डाल दिया इसमें, मैंने बनाना डाल दिया, और मैं इसमें डालने जा रही हूँ पिसी हुई चीनी। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, पर यदि पिसी हुई चीनी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से जल्द बन जाता है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने डाली पिसी हुई चीनी। आइस क्यूब्स, इसके बिना तो डेफिनेटली बनाना शेक हमारा अधूरा है। ठंडा ठंडा बनाना शेक अच्छा लगता है इस मौसम में तो और भी ज़्यादा। और जो हमारा मैजिकल इन्ग्रीडियंट है वो है ये वनीला एसेंस। डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ इसमें वनीला एसेंस की भी, और आप देखेंगे इसका टेस्ट कितना ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा इसको डालने से। बस ये इतना सा एडिशन है, और इसको हम कर लेते हैं चर्न। और लीजिए फ्रेंड्स, बन गया है हमारा ये बनाना शेक। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको इस गिलास वाले जो दूध वाला गिलास है इसी में पोर कर लेती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें जो हमने ये एसेंस मिलाया ना, इससे एक फ़ायदा हो रहा है। जैसे बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बनाना शेक तो बहुत पसंद है, पर बनाना की स्मेल, उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती, उनके लिए बहुत ही बढ़िया सा ये आइडिया है। तो आप बनाना शेक बनाइए, उसमें मिलाइए एसेंस। और देखिए, मैंने एक गिलास बनाया था, इसका 2 गिलास के लगभग बन चुका है, और ये रेडी है बनकर। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी लेके आते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।